नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में नगर निगम के द्वारा नल के लिए खोदे गए गड्ढे अब लोगों को डराने लगे। वहीं बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। शांतिनगर से ढाबा जाने वाले मार्ग में मेन सड़क पर 5 माह पूर्व से लापरवाही पूर्वक गड्ढे खोदकर उसे खुला छोड़ दिया, जिससे छोटे बच्चे सहित बड़े बुजुर्ग गिरने का डर बना हुआ है, जिससे वार्डवासी कई बार गड्ढों को पाटने के लिए नगर निगम को अवगत करा चुके हैं। वहीं मवेशी इनकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में दुर्घटना घटती है तो जवाबदेही किसकी बनेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सन्नी वर्मा की रिपोर्ट। मतलब ये 4-5 महीने से ऐसी खोद के रख दी है और इधर और खोदे थे, मतलब तो उसको ना मतलब पब्लिक लोग भी उसको बंद किए हैं और मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट होने का भी वो है। बच्चे लोग भी इधर खेलते रहते हैं, गिर जाए या कुछ हो, और इससे खोदने से गंदा पानी भी आ रहा है नल में। मतलब इसकी शिकायत किए थे लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे अभी तक। मतलब इसको बंद करते और मतलब पानी भी साफ देते, पानी साफ नहीं आ रहा उसकी वजह से मतलब सब बीमारियां भी फैल रही इधर। ऐसे टाइप में दिक्कत है। सपना सिंह इसको नीचे बताएंगे कि किस तरह की लापरवाही यहाँ दिख रही है। बहुत बड़ा समस्या वाला बात है। मेन रोड में जहाँ पे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, गाड़ियाँ आते जाती रहती, सामने नवरात्रि है और जब से गड्ढा करके रखे हैं, पहले उस तरफ खोद दिए थे, अभी यहाँ रोड में खोद दिए हैं। ना कोई देखने आ रहा है, ना कुछ करने आ रहा है। शिकायत होने के बाद भी कोई नहीं सुन रहा है। मेन रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ रहती है। अभी सामने नवरात्रि का कार्यक्रम है, उसमें पूरा फंक्शन होना है तो पूरा रोड जाम हो जाता है सर इसके चक्कर में। होना चाहिए, इतना सारा शिकायत करें तो कुछ तो सुनवाई हो। बिल्कुल हो सकता है सर, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मोहन कुमार साहू मेरा।